नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से। मेरा सुबह का नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बहुत खूबसूरत वीडियो दिखाने जा रही हूँ। जो आप देखिए, पहले पहले हमारे खूबसूरत ये सनफ्लावर से मिली है, कितने सुंदर सुंदर से फ्लावर निकले हैं। और जिधर से सूरज निकलता है उधर ही ये अपना अपने आप को मोड़ लेते हैं। देखिए कितने सुंदर से, कितने खूबसूरत, बहुत सुंदर से फ्लावर हमारे निकले हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने हर टायर में एक एक फ्लावर प्लांट लगाया था, तो वो हमारे चार फ्लावर प्लांट जो थे हमारे ख़राब हो गए, केवल एक फ्लावर प्लांट हमारा बचा। और ऐसा नहीं कि हम लोग गार्डनिंग करते हैं तो हमारे प्लांट ख़राब नहीं होते, हमारे भी प्लांट ख़राब होते हैं, लेकिन एक फिर भी बच गया खूबसूरत और इसमें फ्लावरिंग बढ़िया सी हो रही है, बड भी लगी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया भी था कि जब कोई प्लांट लगाते हैं तो जब उसमें फ्लावर निकलता है तो बहुत खुशी होती है, और सनफ्लावर के तो बहुत ही खूबसूरत सनफ्लावर होता है और बहुत दिन तक लगा रहता है, इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता। अभी पूरे खिले भी नहीं है, देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ, अभी पूरे नहीं खिले हैं, लेकिन बहुत सुंदर फ्लावर है। क्या इसकी प्राकृतिक चीज़ देखिए, अंदर से ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन है और ऊपर से येलो कलर है, और इतनी सुंदर सुंदर सी सन जैसे सूरज निकलता है उसी तरीके से हमारे किरणों की तरह ये हमारा फ्लावर खिला है। और मैं आप लोगों को ये बता दिखा रही हूँ कि देखिए मुर्गा मुर्गा जो है प्लांट होता है, इसमें हमारा प्लांट बड़ा हो गया। और देखिए ये येलो कलर का, ये कितना सुंदर सनील जैसा हमारे हाथ में रंग लगा हुआ, क्योंकि मैं मंदिर गई थी, मंदिर से वापस आई इसलिए मेरे रंग लगा है। और ये देखिए कितने सुंदर सा हमारा फ्लावर मुर्गा प्लांट जो है उसका खिला। और ये हमारा देसी वाला है, देसी वाला प्लांट हमारा बढ़ने लगा है, इतना बड़ा हो गया है, अभी इसमें फ्लावर कोई नहीं आया। और इसमें मैंने टायर में जब मैंने सनफ्लावर को प्लांट हटाया तो मैंने टायर में लगा दिया था। और देखिए रेड कलर का ये कितना खूबसूरत सा, कितना मैं जूम करके दिखा, कितना सुंदर सा फ्लावर खिलने लगा है। और इसमें पिंक कलर का फ्लावर, मैं बहुत सारे प्लांट ले आई थी तो अलग अलग छोटे छोटे थे, इसमें पता नहीं था किस कलर के निकले, लेकिन इसमें पिंक शेड का, और बहुत ही सुंदर बड़ा हो जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। और ये हमारा बालसम मैंने इसमें लगा दिया था, बालसम प्लांट इसमें इसलिए लगा दिया था क्योंकि जगह थी तो मैंने इसमें लगा दिया था, इसमें फ्लावरिंग शुरू होने वाली है। और हमारे मैं आपको दिखाती हूँ ये कौन सा वीडियो मैं अपने आपको दिखाने जा रही हूँ, आज मेरा वीडियो क्या है, मैं उसी पे आप लोगों को उसी पास ले चल रही हूँ। और बारिश का मौसम, इतना खूबसूरत मौसम है, बारिश हो रही है, धीमी धीमी सी बूंदें पड़ रही हैं, इस बारिश के मौसम में आप लोगों को मैं अपने वीडियो के पास ले चल रही हूँ। कितना खूबसूरत वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, और हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये देसी बिनिका, मतलब देसी सदाबहार, कितना बढ़िया खूबसूरत खिला हुआ है, देखिए बहुत सुंदर से इसमें फ्लावर। आजकल सावन चल रहा है तो फ्लावर की बहुत ज़रूरत होती है, तो मैं इस पर तोड़ के चढ़ा भी देती हूँ। और मैं आपको क्या दिखाऊँ, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपने अपने वीडियो के पास, अच्छा ले चल रही हूँ मैं, और आप हमारे वीडियो में देखिए हमारा ये वीडियो मेन वीडियो है एलोवेरा प्लांट जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। मेरी बास्केट टूट के गिर गई थी, उसमें बहुत सारे प्लांट छोटे छोटे से थे, तो मैंने इन छोटे छोटे प्लांटों में पॉट में लगा दिया था। तो देखिए कितने खूबसूरती से हमारे सारे एलोवेरा चल गए हैं, और जब पानी की बूंदें इनमें पड़ी हैं पौधों में तो बहुत ग्रीन भी आ गए, कितने खूबसूरत से हमारे एलोवेरा। मैंने दिखाए भी थे कितने सारे, मैंने 7 प्लांट लगाए थे, 7 प्लांट सक्सेसफुल। ये वाला प्लांट मुझे लग रहा था नहीं चलेगा, लेकिन बरसात की बूंदें जैसे पड़ी और ये वाला प्लांट चल गया। और एलोवेरा इतना इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में होता है, एलोवेरा का प्लांट, जैसे एलोवेरा का प्लांट आप लगाते हैं तो उसकी बहुत ही यूज़ होता है। आप जेल एलोवेरा का बना सकती हैं और अपने चेहरे पे लगा सकती हैं, हाथों में लगा सकती हैं, कहीं भी लगा सकती हैं। और एलोवेरा का, एलोवेरा की जैसे टुकड़े आपने अंदर से छीले और इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे पेट के लिए। एलोवेरा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है गर्मियों में, अगर जो तलवों में जलन पड़ने लगती है तो एलोवेरा की जो अंदर का हम जो गूदा निकाल लेते हैं उसको तलवों में रगड़ने से हमारे पैरों की जलन चली जाती है। तो एलोवेरा बहुत ही तरीके से बहुत ही यूज़फुल होता है हमारे लाइफ में, तो एलोवेरा का प्लांट आप ज़रूर लगाएं। और बहुत ही एनर्जिकल प्लांट है, बहुत ही एनर्जी देने वाला प्लांट होता है, बहुत ऑक्सीजन प्लांट होता है। एलोवेरा इंडोर भी रख सकते हैं आप, चाहे अपने कमरे में रख सकते हैं और या बाहर भी रख सकते हैं, दोनों जगह चलता है। बाहर रखने से इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सक्यूलेंट प्लांट होता है, इसके अंदर जल होता है वो अपनी उसको पानी की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जब हमारा बाहर प्लांट रहता है, बरसात में भी बाहर रहता है तो उसमें पानी भी पड़ता रहता है, पानी से, बरसात के पानी से हमारे पौधे बहुत खूबसूरत हो जाते हैं।
और ये हमारे तुलसी जी के पेड़ हैं, बहुत सारे मैंने पेड़ और लगाए हैं। छोटे छोटे से हमारे पौधे जम आते हैं तो हमारे फ्रेंड्स लोगों को ज़रूरत होती है, हमारे फैमिली के मेम्बरों को बहुत ज़रूरत होती है, तो मैं उनको तुलसी के प्लांट में लगा के हर जो भी हमसे कोई मांगता है मैं देती रहती हूँ। तो मैंने इतने सारे तुलसी के प्लांट छोटे छोटे से लगाए, कितने खूबसूरत हरे भरे, आप देखिए छोटे जो भी पौधा जो भी प्लांट हमें मिल जाता है मैं उसमें तुलसी का पौधा लगा देती हूँ। और देखिए अब कितने सुंदर से हरे भरे हमारे तुलसी के पौधे तैयार हो गए हैं, और जिसको भी ज़रूरत हो मैं तुलसी के पौधे अपने देने को तैयार रहती हूँ। और जब तुलसी के पौधा मैं जब किसी को देती हूँ तो अच्छे से पॉट में लगा के दे देती हूँ, और अगर जो किसी के पॉट नहीं होता है तो मैं पॉट में भी लगा के दे देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुलसी का पौधा किसी को मैं दूँ, और मैं तो जाके भी लगा सकती हूँ किसी के घर में, तो मुझे बहुत शौक रहता है। और तुलसी जब हमारे घर में उगती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी एक तुलसी का पौधा मुझे कहीं मिल जाता, कहीं भी दिखाई मिल जाता, मैं वहाँ से लेके अपने घर में लगा लेती हूँ, और मेरे पास पौधे बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और तुलसी जी का पौधा बहुत ही पूजनीय पौधा होता है, अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। जिसके घर में नहीं लगा होता है, ऐसा कोई ऐसा घर नहीं होता है जिसके घर में तुलसी का पौधा नहीं होता, बस ये होता है, बात ये होती है कि तुलसी पौधा नहीं चल पाता है। किसी हमारे फ्रेंड्स के हमारे कमेंट आते हैं कि हमारे तुलसी पौधे नहीं चल रहे हैं, तो तुलसी के पौधे में कोई खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए केवल मिट्टी में लगा हुआ, जो हमारे पास हर समय मिट्टी खाद रखी रहती है उसी में लगा देती हूँ। और ज़्यादा जब बड़े गमले में जब लगा तुलसी पौधा जब बड़ा हो जाता है तब बड़े गमले में ट्रांसफर करें, छोटा पौधा बड़े गमले में लगाएंगे तो उसमें पानी डालेंगे तो हमारा पौधा सड़ने का डर रहता है। अब देखिए मैंने इन पौधों को छोटे छोटे से थे तब लगाए थे, पानी की बूंदें पड़ी तो कितने हरे भरे हो गए। और यही आज का मेरा वीडियो था कि मैंने तुलसी पौधे इतने सारे लगाए हैं, और एलोवेरा प्लांट लगाया है, ये हमारा मदर प्लांट एक और रखा है, ये इससे मैंने सोचा था क्योंकि इसमें साथ देखिए इसमें कितने ज़्यादा ज़्यादा से छोटे छोटे से पौधे निकले हैं जगह जगह, इसमें कम से कम 20-25 पौधे इसमें छोटे छोटे निकले। अगर जो इनको मैं ट्रांसफ़र करती हूँ तो बहुत सारे पौधे और इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इसमें मैंने ट्रांसफ़र नहीं किए क्योंकि जब भी कोई पौधा लगा उसके लिए पॉट की ज़रूरत पड़ती है, और हमको 7 पॉट अरेंज करने हैं, नहीं तो 6 तो करने, ये बड़े पॉट में लगा इसको नहीं, बाकी छोटे छोटे पॉट हैं इनको हमें अरेंज करने हैं और दूसरे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करने हैं। यही मेरा काम रहता है गार्डनिंग में। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने नीम का प्लांट लगाया था, मैंने हर्षिंगार का प्लांट लगाया था, तो हर्षिंगार का प्लांट और नीम का प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। देखिए हरे भरे हैं, जो पत्तियाँ ली जो हमारी पत्तियाँ वैसी हो गई हैं तो मैं उनको तोड़ के हटा देती हूँ, बाकी हमारा बहुत बड़ी ऊपर से मैंने कटिंग कर दिया था बहुत हरा भरा है। और ये हमारा कनेर का प्लांट है जो मैं नर्सरी से लाई थी, मुझे पता भी नहीं किस कलर का, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई लेकिन मैंने पिंच कर दिया था, तो ये देखिए यहाँ से खूब हरा भरा हो गया। और हमारा नीम का प्लांट जो बहुत ही ऑक्सीजनल प्लांट होता है, बहुत ही पूजनीय प्लांट होता है, बहुत ही इसमें बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया ग्रो बैग में। और हमारा पपीते का प्लांट मैं ऊपर लेके आई हूँ और बड़ा हो गया है, और इसमें भी बरसात की बूंदें पड़ रही हैं, बढ़िया सा हमारा प्लांट चल रहा है। और यही आज का मेरा वीडियो था, आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि किस तरीके से हमारा आप लोगों को वीडियो लगा। और ऐसे ही आप प्लांट लगाते हैं और खुश रहें, प्रसन्न रहें। और मेरा दोबारा से आप लोगों को नमस्कार, थैंक यू।